रायबरेली समाचार चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की बड़ी खबर, कमीशन न मिलने पर कोटेदार ने किया उग्र प्रदर्शन। कई सालों के कमीशन व अन्य मांगों को लेकर हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, पेट्रोल एसोसिएशन जिंदाबाद, 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 हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। कोटेदारों ने बुलंद की आवाज। जिलाधिकारी कार्यालय के सामने ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन के सैकड़ों पदाधिकारियों ने किया उग्र प्रदर्शन। रायबरेली, मंगलवार को जनपद के कोटेदारों ने ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन के बैनर तले विकास भवन में एकत्रित हुए। कोटेदारों ने एक धरना प्रदर्शन करते हुए किए गए खाद्यान्न वितरण का बकाया कमीशन दिलाए जाने की मांग की है। कोटेदारों ने आवाज उठाते हुए कहा कि उनका करीब 6 माह का बकाया कमीशन का भुगतान किया जाए, अन्यथा की दशा में कोटेदारों का परिवार भुखमरी की कगार पर पहुंच गया। कोटेदारों ने विकास भवन से नारेबाजी करते हुए कलेक्टरेट पहुंचे जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन सौंपा। मंगलवार को जिलाध्यक्ष शिव कुमार पाठक के नेतृत्व में विकास भवन परिसर में एकत्रित हुए जिलेभर के कोटेदारों ने अपनी मांगों को लेकर जहां हुंकार भरी तो वहीं खाद्यान्न वितरण का बकाया कमीशन का भुगतान कराने की मांग की है। वहीं इसके बाद कोटेदार ने कहा कि उनका वर्ष 2001 से 2016 तक का बकाया भाड़े का भी अभी तक भुगतान नहीं कराया गया, जबकि कोटेदार हर माह खाद्यान्न का उठान और वितरण भी कर रहे हैं, उसके बावजूद उनकी मेहनत का पैसा नहीं मिल रहा है। कोटेदारों ने अपनी समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन भी अधिकारियों को दिया। दिए गए ज्ञापन में कोटेदारों ने कहा कि उनका बकाया कमीशन का भुगतान कराए, अन्यथा की दशा में कोटेदार आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। इस मौके पर कल्याण शंकर मिश्रा, कृष्णचंद्र गुप्ता, दिनेश सिंह, आरपी सिंह, संतोष दिलीप कुमार, सुशील कुमार, रविशंकर त्रिवेदी आदि मौजूद रहे। रायबरेली समाचार चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कोटेदार एकता, कोटेदार एकता। कोटेदारों ने बुलंद की आवाज। जिलाधिकारी कार्यालय के सामने ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन के सैकड़ों पदाधिकारियों ने किया उग्र प्रदर्शन। रायबरेली, मंगलवार को जनपद के कोटे। हमारा नाम शिव कुमार पाठक है। आज जो धरना दे रहे हैं, क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या ये है कि जो हम लोग वितरण कर रहे हैं, तो माह अप्रैल से और जून तक हमने 6 बार वितरण किया है, इसका कमीशन अभी तक हम लोग को नहीं मिला है। इससे हमारा दुकानदार जो है एकदम भुखमरी का शिकार हो रहा है। कितने दिन का कमीशन है आप लोगों का? 3 महीने का ये है और एक कमीशन हमारा 2001 से 2016 तक हर महीने का भाड़े का कमीशन है। एमडीएम का कमीशन नहीं मिला है, आंगनबाड़ी का कमीशन हम लोगों को नहीं प्राप्त हुआ। इस तरह काफ़ी रकम जो है गवर्नमेंट खाते में हम लोगों का है और खाली बोरी हम लोगों से गवर्नमेंट ने लिया था, उसका भी पेमेंट हम लोगों को अभी तक नहीं किया गया है। क्या मांग है आपकी? हम लोगों की मांग है कि हम लोगों का ये पेमेंट जो है, जो फंसा हुआ है गवर्नमेंट में, ये जल्दी से जल्दी हम लोगों को किया जाए, जिससे कि हमारा दुकानदार ज़्यादा परेशान ना हो। तो ये किस लिए प्रदर्शन आप लोग कर रहे थे? मेरा नाम कल्याण शंकर मिश्रा है, मैं ऑल इंडिया फेयर प्राइस डीलर का जिला उपाध्यक्ष हूँ और मैं ब्लॉक अध्यक्ष भी हूँ, सताओं ब्लॉक का ब्लॉक अध्यक्ष भी हूँ। और मैं सरकार से चाहता हूँ कि हम लोगों को 2001 से ना भाड़ा मिला है एमडीएम का, और अप्रैल से अभी तक हम लोगों को आज तक कमीशन नहीं मिला। हमारा कोटेदार भुखमरी की कगार पर है और अगर पैसा हम लोगों को नहीं मिला तो हम लोग आत्मदाह करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और बोरी हम लोगों से सरकार ने लिया है, बोरी का बेड भी नहीं, बोरी का पैसा भी नहीं दिया गया है। कितने साल पहले की बात है ये? लगभग पिछले साल की बात है, पिछले साल बोरी का पैसा लिया गया है, 1 साल पहले लगभग बोरी ली गई हम लोगों से, लेकिन बोरी का पेमेंट नहीं, आज तक नहीं दिया गया है। कौन कौन एकता जिंदाबाद। कौन कौन आए आपके साथ में, नाम बता दीजिए कुछ लोगों के। मेरे नाम जैसे शिव कुमार पाठक जिला अध्यक्ष जी हैं हमारे, हमारे एक श्री कृष्णचंद्र जी हैं गौरी सताओं के कोटेदार, हमारे मेराज अहमद हैं ये शहर के कोटेदार हैं, दिनेश प्रताप सिंह हैं सताओं ब्लॉक से कोटेदार हैं, आरपी सिंह हैं राही ब्लॉक से हैं, शिव सागर हैं वो भी राही ब्लॉक से हैं, रविशंकर दोहरी वो भी कोटेदार हैं। क्या इसमें शहर के कोटेदार कम है क्या? नहीं, शहर के भी कोटेदार हैं, काके जी हैं हमारे ये कोटेदार हैं।
कबीर जी हैं वो कोटेदार हैं, दिलीप हैं, राम प्रकाश हैं, काफी लोग हैं, भवानी फेर सोनी हैं, शहर के भी कोटेदार हैं और ग्रामीण क्षेत्र के भी कोटेदार हैं और जितेंद्र प्रताप भी हैं। इसकी शिकायत आपने ब्लॉक के जिले, इससे पहले इसकी शिकायत आपने किसी अधिकारी से करी थी? इसके पहले हमारे संघ ने काफी शिकायतें की है। किससे करी थी, किस अधिकारी से? अपर आयुक्त तक शिकायतें की गई हैं, लेकिन आज तक अभी कोई न भाड़ा हम लोगों को मिला है न कमीशन मिला है, हम लोग बिल्कुल भुखमरी के कगार पर हैं। जिलाधिकारी से एक बार भी आपने जानकारी? अब हम लोग आज जब हर तरह से हताश हो गए हैं तो माननीय जिलाधिकारी महोदय से मिलने जा रहे हैं, अब क्या आश्वासन मिलता है, क्या कहती है बाकी। ठीक है।